कंबाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैरवी जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन स्टडी पॉइंट पर। तो भाई जो आज का एक स्पेसिफिक सेशन जो है वो बच्चों के डिमांड पर मैं लेकर आया हूं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का EVS का जो सब्जेक्ट होता है जिससे आप एक कॉमन ईयर के रूप में जो है वो करते हैं भाई। ठीक है, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो EVS का पेपर देते हैं या फिर सेकंड ईयर में आकर देते हैं या फिर आप फाइनल ईयर में आकर देते हैं, है ना। ये सभी के लिए एक कॉमन सा सब्जेक्ट है। हम कहते हैं कि इसको क्वालिफाई करना हमारी ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को इसके ब्लॉक नंबर 1 से रूबरू करवाऊँगा। ब्लॉक 1 जो है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ब्लॉक नंबर 1 बेसिकली क्या है हमारा, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। दिस इज़ द योर सिलेबस, ये आपका इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडी का इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। और इसमें 3 यूनिट आपके पास है, आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और मेजर इकोसिस्टम। ठीक है, तीनों यूनिट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ब्लॉक इन्वायरमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमारे आसपास चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है, दोनों तरह के जो कंपोनेंट है हमारे आसपास के वो क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, उन सारी की सारी ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग है या नॉन लिविंग है उन सभी को जब आप मेजरमेंट करते हैं या फिर स्टडी करते हैं तो उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं कि हमारे आसपास कितने जो है वो पेड़ पौधे हैं, कीट पतंग हैं, है ना, हमारे पास कितने पेड़ पौधे हैं या फिर हम कहें कि कितने जीव जंतु हैं, मनुष्यता कितनी है, मनुष्य जाति कितनी है, ये हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं। इसी को क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट बोला जाता है। दिस इज़ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या है आपका, इन्वायरमेंट होता है। क्लियर हुई बात, समझ आई बातें? इसके बाद यहाँ पर देखो एक फोटोग्राफ बहुत ही अच्छी आपको दिखाने की कोशिश करी गई है कि आसपास जो है वो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं। तो ये एक पॉन्ड है जिसमें एक इन्वायरमेंटल पिक्चर को दिखाने की जो है वो कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन्वायरमेंट। तो कॉम्पोनेंट में अगर हम बात करें तो दो तरह से कंपोनेंट इसके डिवाइडेड होते हैं, एक आपका एबायोटिक कंपोनेंट है और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होती हैं हमारे पास वो सारे की सारी एबायोटिक कंपोनेंट में काउंट होंगी। और बायोटिक कंपोनेंट में कौन सी आती हैं, जो सारे आपकी लिविंग थिंग्स हैं, आसपास का जो लिविंग है ना ऑब्जेक्ट, वो आपका लिविंग कंपोनेंट इसमें आ जाता है। यहाँ एग्जांपल भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे वाटर इन द पॉन्ड विच इज़ प्राइमरली इनहैबिट्स, द वाटर वुड कंटेन न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर टू बी सस्टेन इट्स लाइफ। हमारे मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए दूसरे डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि मछली जो है वो पानी में ही रह सकती है, है ना, एक फैक्टर है कि मछली को सिर्फ पानी में ही रखा जा सकता है। अगर वो बाहर निकाली जाए, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेकर आए उसे, तो क्या होगा, वो मर जाएगी, है ना, क्योंकि उसका जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से वाटर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म पर अब उसकी बॉडी पर एक्सटर्नल फैक्टर का क्या फ़र्क पड़ता है। सिमिलर आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में आप क्या बात करते हैं, बॉडी सरफेस की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर जो एनिमल या एक जीव जंतु जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बॉडी पर क्या जो है वो अफेक्ट हो रही है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, दिस इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट।
आपके पास है, ओशियन, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब। उसके बाद ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है, जिसमें प्लांटेशन, सैनिटरी और पार्क, ये सब आते हैं। उसके बाद ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, जिसमें इंडस्ट्री, सिटीज़, टाउन, क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल लेक, डैम, ये सारी बातें जो है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर अ लाइफ, हमारी लाइफ में इसके क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो हमारे लिए हमारी लाइफ को सपोर्ट करने का काम करते हैं। बगैर इन्वायरमेंटल फैक्टर के हमारी जो ह्यूमन बीइंग है या फिर एक जीव जंतु की अगर बात करें तो उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर उसके आसपास इन्वायरमेंट ना हो। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन बीइंग का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। तो हमें इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमारा जो सब्सिस्टेंसी है, हमारा जो सर्वाइवल है, वो भी पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल डिपेंडेंसी रखता है। बिकॉज हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा घर है ना, हमारा हैबिटेंट है, वहाँ पर हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। पानी पीने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो वो पानी कहाँ से मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा। खाना खाने के लिए हमें जो है वो फसलें उगानी पड़ेगी, वो फसल, उसके लिए लैंड हमें कौन देगा, तो इन्वायरमेंट ही देगा, है ना। तो इस तरह से ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता हुआ चलता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनिज्म का, ये आपका जर्मन ज्योग्राफर फ्रेडरिक रेजल ने बताया इसको। इन्होंने कहा है कि कॉन्सेप्ट है नेचर कंट्रोल ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन। कहता है भी जो नेचर है वो हमारे ह्यूमन बींग की फुली एक्टिविटी को डिपेंड करता है या उसको अफेक्ट करता है। बिकॉज अर्थ या जो मनुष्यता है या अर्थ जो है वो किससे बनी है, ह्यूमन बींग से बनी है, और ह्यूमन बींग जो है वो आसपास के हमारे नेचर से बना है। ठीक है, ये डिटर्मिनिज्म है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिज्म, जो आपके फ्रेंच हिस्टोरियन ल्यूसिन फैबवर ने बताया। इन्होंने कहा कि ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को क्रिटिसाइज यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ह्यूमन का इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो नेचर से ह्यूमन बींग की कंप्लीट हो जाएंगे, उसे खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो डेवलपमेंट हो रही है। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है आपकी, तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से। ठीक है, दिस इज़ द इकोलॉजिकल अप्रोच। आगे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि आप जिस रिसोर्स का यूज़ एट प्रेजेंट कर रही हैं उसको इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स आपका बच जाए, है ना। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके पास वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है जो इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, और आपने सुना भी होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सोसाइटी बताई है, डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन है, रिसोर्स ट्रांजिशन है, जो पूरी तरह से स्टेबल हमें होने चाहिए ताकि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट हो पाए। टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन की ज़रूरत है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन होना चाहिए, कम्युनिटी ट्रांजिशन होना चाहिए, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी एरिया हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश सबसे पहला, पॉवर्टी को कम करना, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वेयर एंड वाटर एंड एनर्जी जो रिसोर्स है इसको सस्टेनेबल बनाना। ठीक है, वाटर को ज़्यादा सस्टेनेबल करना, वेस्ट जो है उसको कम करना, ये सारे हमारे सस्टेनेबिलिटी के अंदर आते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडी, तो यहाँ पर अलग अलग तरह का स्टडी का EVS का जो है वो नेचर हम देखने को मिलेगा। यहाँ पर सस्टेनेबल गोल्स हैं, वही 17 गोल हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंस अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल इशू है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम है, ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखता है।
एमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम इन वेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, और ये प्रॉब्लम जनरेट होती हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलेगी। एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होना इसका रीज़न है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की नीड होना, ठीक है। एंड देन उसके बाद है प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसको प्लानिंग करने की हमें ज़रूरत होती है तभी हम एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप क्वेश्चन मार्क कर इस चैप्टर से है, ज़रूरी है भाई, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें बाहर से कुछ आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है बेटा? इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है जिसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इकोसिस्टम उसे बोलते हैं जहां पर सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर काम कर रहे हैं। एबायोटिक और अबायोटिक दोनों कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम को बनाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। सन से प्रोड्यूस होती है हीट, है ना, मैक्रो कंज्यूमर है यहाँ पर। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फूड जो है वो माइक्रो कंज्यूमर फिर लेता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके पास स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। इसके फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल फीचर, यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिफाइंड है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में। पता ही होंगे भाई एबायोटिक में कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और क्लाइमेटिक डिजाइंस है। और बायोटिक में बात करें तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर ये आते हैं। इनके एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना, पेपर में शॉर्ट नोट आता है बायोटिक और एबायोटिक पर, तो वहाँ एग्जांपल काम आएंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल। तो फंक्शनल में आता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ अ इकोसिस्टम। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्डर होता है हमारे इकोसिस्टम का जो आपको यहाँ बताया गया है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसमें बायोस्फीयर हुआ, ठीक है, इकोस्फीयर भी से कहा जाता है। और इसके तीन जो है वो सब डिविजन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। अगर लिथोस्फीयर की बात करूं तो लैंड का जितना भी एरिया है वो आपका लिथोस्फीयर है, वाटर का जितना एरिया है हाइड्रोस्फीयर है, और एयर का जितना एरिया है वो एटमोस्फीयर है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कॉम्पोनेंट में क्या पार्ट आएगा, तो कॉम्पोनेंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही भाई अभी मैंने आपको बताया था एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है आपका, और तीसरा कौन सा बताया था, डीकम्पोजर बताया था, ठीक है। और ट्रॉपिक लेवल देख लेते हैं, शॉर्ट नोट आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है। ट्रॉपिक लेवल है पोजिशन ऑफ फूड चेन, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पर फूड चैन जो है वो बनाते हुए चलते हैं, तो उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रोफ होता है, हेटरोट्रोफ, फिर हेटरोट्रोफ, फिर हेटरोट्रोफ और फिर हेटरोट्रोफ। यहाँ पर ग्रीन प्लैनेट ट्रॉपिक लेवल 1 है, हार्बोवियर प्राइमरी कंज्यूमर है जो ट्रॉपिक लेवल 2 में आएंगे, कार्निवोर्स 3rd में आएंगे, कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर जो है वो 4th में आएंगे, और उसके बाद टॉप कार्निवर क्वार्टरनरी कंज्यूमर जो है वो 5th में आएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो है वो चैन चलता है, ठीक है। ग्रास है उसको ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया। तो ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल है, जनरेशन होता है पूरा का पूरा। दिस इज़ द फिगर, ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें ट्रॉपिक लेवल है फूड के,
कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, फूड चैन भी यही है भाई, आपका पूरा का पूरा फूड एनर्जी है कि अलग अलग टॉपिक लेवल पर किस तरीके से फूड को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, वो आपका फूड चेन है। फूड चेन में आपका सबसे पहले है ग्रेजिंग फूड, जहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं और वो घास खाते हैं। घास कौन खाएगा? ग्रास ओपर्स खाएंगे। ठीक है, दूसरा है डेट्रियस फूड चेन, यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है एनिमल और प्लांट बॉडी का, इसे डेट्रियस बोला जाता है। ठीक है, और इसे प्राइमरी डेट्रियस जो है वो फीड करते हैं और इसे डेट्रीबोयर्स या डिकम्पोजर जो है वो खाएंगे। पैरासिटिक फूड चेन, जिसमें आपका ग्रीन प्लांट से फूड चेन शुरू होती है, और उसके बाद फूड चेन में आपका एंड जो है वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं। दिस इज़ द पैरासिटिक फूड चेन। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, तो अभी तक समझ आ चुका होगा ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है भाई, जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हैं, उस साइकिल को न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे करेंगे, तो दो तरह से है, एक तो गैसियस साइकिल है और एक सेडिमेंट्री है। गैसियस में एटमोसफियर का रिजर्वर होता है और सेडिमेंट्री में अर्थ क्रस्ट का रिजर्वर होता है। गैसियस साइकिल में पहले हम बात करेंगे वाटर की, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में बात करें तो 70% जो है वो बॉडी वेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का वाटर का ही होता है, उसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है। 70% के लगभग पानी जो है वो हर एक व्यक्ति में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज द डायग्राम टू बी डिफाइन द हाइड्रोक्लोरिक साइकिल। इसके बाद कार्बन साइकिल है, दिस मीन्स हाउ टू बी एटमोसफेयर कंपेयर टू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस है, कार्बन गैस है, ये आपस में किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, दैट इज़ योर कार्बन साइकिल। दिस इज द आल्सो अ डायग्राम फॉर पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, समझ सकते हैं आप लोग। ग्लोबल कार्बन साइकिल, दैट मीन्स ऑर्गेनिक जो है आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसमें कार्बन इमिशन जो है वो करवाया जाता है। दैट इज, ये आपका ग्लोबल कार्बन साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे शॉर्ट नोट हैं जो पेपर में इस चैप्टर से आएंगे, क्लियर कर लेना इसको। समझ आ रही है बातें या नहीं है? आई या नहीं समझ बच्चों, बताया करो भाई, क्या बात है। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे, आपके मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, आई होप दैट इज योर क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन की अगर बात करूं तो शॉर्ट नोट आएंगे भाई इससे, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, एबायोटिक फैक्टर, फूड चेन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज द शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको करना है। एंड फिर जो साइकिल दिए हैं ना सारे, गैसेस साइकिल, वाटर साइकिल, ये जो साइकिल वाले क्वेश्चन है वो करने हैं। इसमें से शॉर्ट नोट आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके भाई, डन जी। और ये जो यूनिट नंबर थर्ड है, इसमें से एक तो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम कर लेना, ग्रासलैंड का और डेजर्ट का और एक्वाटिक। ठीक है, ये करने हैं भाई, चार टॉपिक कर लेना बस, उसमें कवर हो जाएगा सारा। शॉर्ट नोट है तो आप कर लेंगे इसको। और इसी के साथ ब्लॉक वन इन्वायरमेंट का ख़त्म हो जाता है मेरी तरफ से। देन आप लोग इसके रिवीजन कर सकते हो, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके, मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल अबाउट द क्लास, एंड रिव्यू सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू दीजिएगा अबाउट द क्लास कैसी लगी है। चलिएगा, थैंक यू सो मच टू एवरी वन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।